नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, आज का जो वीडियो है इतना अच्छा है, इतना सिंपल सा है, इतना आसान सा है। और इस वीडियो को अगर आपने देख के और ये उपाय अगर कर लिया तो आपकी मसाने की जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी, आपका वीर का पतलापन है वो। देखो मैं बताता तो सब वीडियो में, लेकिन आप लोग पता नहीं करते हो या नहीं करते हो। रोजाना हर सब नए नए सवाल, रोजाना नए नए सवाल, ये जे भाई मुझे ये बता दो, ये जे भाई मुझे ये वाला बता दो, मुझे और सस्ता बता दो। तो मैं ये इतना सस्ता है, मतलब 200-300 रुपए, 400 रुपए तो आप खर्च करना पड़ेगा आपको। अगर मसाने की गर्मी है, वीर एकदम पानी की तरह हो गया जिनका, उनको 400-500 रुपए खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लोग वैसे 10-10, 20-20 हज़ार भी खर्च कर, को तो 10-10 लाख रुपए खर्च कर दिए, मुझे पता है। मैंने मेरे पास फोन करते हैं लोग। तो देखो, शुक्राणु खत्म हो चुके हैं, जैसे निल हो जाते हैं, आधे खत्म हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं, ऐसे 60%, 40%, 30% ऐसे मतलब खत्म हो जाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसको करेंगे तो जरूर लाभ पाएंगे। बस सिंपल से दो चीज़ें आपको लेनी है, एक ही पेड़ की दो चीज़ें आपको लेनी है बस। क्या करना है आपको, देखो मसाने की गर्मी है और धातु बहुत पतला हो चुका है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, आपका फीर इतना पतला हो गया है कि आपकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी, बिल्कुल बची ही नहीं है, जीरो हो चुकी है। और लिंग में शिथिलता इतनी आ गई है कि आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई मुझे सस्ता सा इलाज कुछ मिल जाए जिससे मैं ठीक हो जाऊं। तो ये वीडियो आपके लिए, आपको क्या करना है, दो चीजें लेनी है आपको। क्या क्या लेना है, देखो बबूल की कच्ची फलियों को सुखा लेना है आपको। बबूल की अभी कच्ची फलियां लग रही होंगी, अभी मौसम है तो आप तोड़ के उनको सुखा लेना, उनमें बीज ना पड़े हों देखना, और अगर बीज हो तो उनके बीज निकाल देना, तब उनको कूटना, सुखा के कूट लेना, ठीक है, पीस के पाउडर कर लेना। और उसी का बबूल का ही गोंद 200 ग्राम या 100 ग्राम बबूल की फलियों का पाउडर, 100 ग्राम बबूल के गोंद को लेकर अब आप दोनों चीजों को पीस कर मिक्स कर लो, मिक्सर में डाल के या ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लो। उसके बाद उसको छान कर एक डब्बे में भर के रख लो, रोजाना रात को सोते समय आपको एक चम्मच की मात्रा में दूध के साथ, मिश्री वाले दूध के साथ इसे लेना है। इससे आप, इससे पता है क्या होगा, इससे आपकी जो टाइमिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी, वीर का पतलापन भी ठीक हो जाएगा, मसाने की गर्मी भी खत्म हो जाएगी, पेशाब में जो वीर आता है वो भी ठीक हो जाएगा, और आपकी जो स्पर्म काउंट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये बस यही था, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है आपके लिए, अगर आप करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा इससे, बहुत जबरदस्त वाला। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो कि कुछ बना बनाया आपको मिल जाए, तो मैंने एक तैयार किया है, देखो मेरे पास है कि ये टैबलेट है अफीम वाली, ठीक है, अफीम वाली टैबलेट है ये, इससे 1-2 घंटे टाइमिंग आराम से हो जाती है, आजकल इसकी बहुत डिमांड चल रही। और मेरे पास तिला 49 जड़ी बूटी वाला कहाँ गया, कोई उठा के ले गया इधर से, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, तिला 49 जड़ी बूटी वाला, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो लिंग के लिए बहुत ही रामबाण है। अगर आप एक बार उसे यूज़ कर लेंगे तो आप कहेंगे अजय भाई वाह, आपने तो ज़िंदगी खराब संवार दी। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस नुस्खे को यूज़ करो, अगर इससे लाभ ना मिले तब जाके कहीं उस मेरी दवाई का प्रयोग करना आप, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चलता हूँ फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का, नमस्कार।